गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज मंडे है। मंडे मतलब भागम भाग की शुरुआत वाला दिन। आज से हमारी जिंदगी में दौड़ भाग, नौकरी जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, मतलब सब कुछ टेंशन शुरू हो जाती है। और इस हफ्ते चुनाव भी शुरू होने वाले हैं हमारे देश में। ये हफ्ता कुल मिलाकर काफ़ी हैपनिंग से भरा होने वाला है। लेकिन मैं रंजीता पठारे NS न्यूज एक्सक्लूसिव में आपके लिए रोज सुबह लेकर आऊंगी न्यूज इन माय प्लेट की रेसिपी। इसे आप थोड़ा तो ताज़ा महसूस करेंगे ही सही इसे सुनने के बाद, और देश और दुनिया की जानकारी भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आज की न्यूज इन माय प्लेट बाय रंजीता की 10वीं खबर से शुरुआत करते हैं। साथ में चाय भी पीजिए, चाय पीना तो भूलना ही नहीं चाहिए। आज की 10वीं खबर से शुरू करते हैं हम। 10वीं खबर है, आज IPL में पंजाब और हैदराबाद के बीच में मुकाबला होने वाला है। कहाँ होगा वो? मोहाली स्टेडियम में रात 8 बजे से होगा। इस बार पंजाब को दम दिखाने का अच्छा मौका मिला है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं हम। हमारी अगली खबर है, 90 साल बाद भारतीय टॉप 100 फिल्मों की सूची में शामिल होगी कॉमेडी फिल्म पड़ोसन। याद है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद से टुकड़ा रहता है। याद तो हो गई सही, इसे तो कोई भूल ही नहीं सकता है। बच्चों को तो पता ही वाली मूवी के बारे में, मूवी तो नहीं पर गाने तो ज़रूर पता होंगे। हमारी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत ने लीबिया से शांति सेना से अपने जवानों को वापस बुला लिया। ट्यूनिशिया स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार को ही CRPF के 15 जवानों की टुकड़ी को वापस बुला लिया। क्या ये सही किया उन्होंने? मुझे तो नहीं लगता सही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हालात पर काबू पाने के लिए हम शांति सेना भेजते हैं, पर यहाँ तो शांति सेना को वापस बुला लिया गया है। खैर, कुछ सोचा होगा। अगली खबर है हमारी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत अमेरिका के कई उत्पादों पर लगा रहा है वो 100% से अधिक टैरिफ लगा रहा है भारत, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के समान उत्पादकों के लिए भारत पर कोई शुल्क नहीं लगा रहा। मतलब कि वो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम ज़्यादा शुल्क लगा रहे हैं। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारी आज की अगली खबर है, पाकिस्तान को जवाब देगी भारत की सबसे लंबी वोटर इलेक्टोरेट श्रृंखला। जी हाँ, 35 किलोमीटर लंबी होगी लाइन। दरअसल राजौरी जिले की LOC पर रहने वाले लोग बनाएंगे सबसे लंबी, मतलब 35 किलोमीटर लंबी वोटर लाइन। इस बार हम भी है जोश में। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं हम। हमारी अगली खबर है, नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस में दूषित नॉनवेज खाने से 56 लोग बीमार हो गए। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार आंकड़े ज़्यादा है। हर बार हमारे भारतीय रेलवे में परोसा गया खाना पानी दूषित होता ही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता ही है। लेकिन आखिर कब भारतीय रेलवे सुधरेगा? भगवान, कुछ तो शर्म करो, आप कुछ तो सुधार करो। बस मादे दावे करने से कुछ नहीं होता, रेल मंत्री जी कुछ करना पड़ेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, कांग्रेस के लिए देश भर में प्रचार करेंगे रॉबर्ट वाड्रा। नाम तो आजकल है ही सुर्खियों में। अब आ गए ना आपकी लाइन पर रॉबर्ट जी, लगे फंसने तो नेता बनने में लग गया। आपको लगा कि अब तो मेरी जान अटक गई है, अब तो मैं फंस गया हूँ, तो आपने भी नहीं वही राजनीति की लाइन अपना ली। खैर, ऐसा तो अक्सर लोग करते ही हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं हम। हमारी अगली खबर है, उससे पहले चाय। अगली खबर है, चुनाव बाद खुद को प्रधानमंत्री बनने की संभावना कर रही है मायावती। उनका कहना है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, ऐसी उनकी सोच है। देश का प्रधानमंत्री क्या ऐसा होना चाहिए मायावती जैसा? खुद ही सोचिए कैसा होगा फिर हमारा देश का भविष्य मायावती के साथ। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं हम। बिहार में जेल से चुनाव कंट्रोल कर रहे हैं 5 धुरंधर। सलाखों के पीछे से सियासत पर निगाहें, भारतीय राजनीति पूरी फिल्म में हो गई है इस बार। देखते हैं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं हम। हमारी अगली खबर है, और आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, जिस पर निगाहें होगी वो है आंध्र
बीजेपी करने वाली है उनका चुनाव घोषणा पत्र जारी। जी हाँ, भाजपा का मैनिफेस्टो आज होगा आप लोगों के सामने, हमारे सामने। देखते हैं क्या नया, कितने नए जुमले लेकर आएगी इस बार भाजपा सरकार, क्योंकि पिछले बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके पहले जो भाजपा का मैनिफेस्टो था, जो उनका घोषणा पत्र था, जुमलों से भरा हुआ था। मेरे ख्याल से बोले की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज सबको पता है कि कितने उसमें से वादे पूरे किए गए हैं। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने तो इस बार अपना घोषणा पत्र जारी कर ही दिया है, अब आई भाजपा की बारी। देखते हैं इस बार क्या नया होगा उनके घोषणा पत्र में। तो ये थी आज की 10 खबरें टॉप 10 न्यूज़ रंजीता की न्यूज़ इन माय प्लेट की। कल फिर मिलते हैं सुबह के 10 बजे न्यूज़ इन माय प्लेट बाय रंजीता के साथ। तब तक के लिए बाय।